Now, just to draw a distinction, these are decided by the chair. And if anyone would want to ask, saying, why not under 267? I just want to highlight 267 is if there is such a sense of urgency. Yes, such a sense of urgency. But obviously, 8 days have gone, people have gone to Manipur and come back. They have heard people speak to them. Now we are meeting and talking about it. Wouldn't they want to speak as to what they heard in Manipur? जो मणिपुर जा करके उधर लोगों के साथ बैठकर बात करके कैंप में या कहीं और में वो जो सुना वो बातों को इधर रखिए ना हाउस में. आपको क्या अभी संकोच किस वजह से? आखिरकार आप ही तो अभी तक डिमांड कर रहे थे कि इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए. पहले से हम तैयार थे. अभी लिस्ट भी हो गया है. अभी नाम भी लिस्ट आउट करके आज शुरू कर रहे हैं. अभी आने के लिए आप तैयार नहीं हैं. इससे मैं मीडिया के द्वारा भारत में हर नागरिक को ये जानकारी देना चाहती हूँ. विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है. हाँ, क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे वो. जेन्युइनली मणिपुर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावट होना नहीं चाहिए. सीधा आकर चर्चा करना चाहिए था. दिस इज अ क्लियर एक्सपोजर ऑफ द हिपोक्रेसी ऑफ द ऑपोजिशन. मणिपुर मणिपुर करके पार्लियामेंट को एब्सोल्युटली डिस्टर्ब करके जाना, और जब मणिपुर का चर्चा शुरू करते हैं, हमें नहीं चाहिए. इससे मणिपुर नहीं है उनके मन में. उनके मन में जैसे वो काला शर्ट पहनकर आए थे, खाला सोच है उनके मन में, उतना ही है. क्योंकि सरकार को कोई स्थान और सरकार के तरफ से मंत्रीगण को इसमें मैं पूछना चाहती हूं, मणिपुर अभी बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, फिर भी मैं याद दिलाना चाह रही हूं. इससे पहले यूपीए सरकार के समय जब ऑलमोस्ट साल भर के ब्लॉकेड हुआ मणिपुर में, तब एक ही रास्ता था मणिपुर पहुंचने के लिए. उस रास्ता बंद भी हुआ. कुकिंग गैस, फूड, मेडिसिन, नथिंग रीच्ड मणिपुर. उस समय यूपीए के सरकार इधर और कांग्रेस के सरकार मणिपुर में. मैं पूछना चाहती हूं, कोई होम मिनिस्टर गया उस समय मणिपुर? अब तो हमारे माननीय अमित शाह जी 3 दिन मणिपुर में पूरे के पूरे थे. एक कैंप से दूसरे कैंप, दूसरे से तीसरे कैंप, हर कैंप में गए, लोगों से संपर्क किए, बात किए, और आकर के उनको जो रिलीफ तुरंत देना वो सब का इंतजाम भी किए. मैं पूछना चाहती हूँ यूपीए से, कौन सा ऐसा होम मंत्री थे उस समय जाने वाले? कोई नहीं गए. ज्यादातर शायद इन सम टाइम A minister of state probably went. So Manipur के ऊपर UPA के इतना sensitivity और care and attention giving is only political. उनका जरूर Manipur का security, Manipur का community, हर community suffer कर रही है उधर. उनके ऊपर कुछ चिंता सचमुच हो तो आकर बात करना चाहिए. उनके विजिट के द्वारा क्या उनका जानकारी मिले वो इधर रखना चाहिए. वो ना करते हुए पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स, मणिपुर के ऊपर पॉलिटिक्स करने वाले बेरहम यूपीए के, मैं आज अपील कर रही हूं कि सचमुच मणिपुर गए और आकर इधर बात रखने के लिए मौका जब मिल रही है, आप क्यों उसको उठाना नहीं चाहते हैं?